अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल दी प्रॉपर्टी गाइडर से एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, न्यू मेट्रो सिटी। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपको न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों करनी चाहिए, उसकी रीज़न क्या है, या करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और अगर जो लोग रियल इस्टेट से इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हैं उनको कुछ पिछले दिनों में आइडिया हुआ होगा कि गुजर खान के अंदर 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, और ये एकदम से गुजर खान जो है वो इतना हॉट फेवरेट क्यों हो गया डेवलपर्स का, वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, और स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी जो है वो किस तरह फिजिबल है, या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो है उसका इन लॉन्ग रन क्या बेनिफिट होगा। हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ बड़ी मैटर करती है, किसी से भी पूछें कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, तो वो आपको ये कहेगा कि उसकी लोकेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, लोकेशन बहुत प्राइम होनी चाहिए। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि गुजर खान जो है वो पिंडी से दूर है, इसकी लोकेशन दूर बनती है, तो ये इतनी प्राइम कैसे है। तो आज इंशाल्लाह इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि न्यू मेट्रो सिटी या गुजर खान का एरिया जो है वो इतना आजकल हॉट फेवरेट क्यों है, और आगे आने वाले दिनों में जो है वो उसका बेनिफिट क्या होगा। स्पेशली डेवलपर भी यही चीज़ देख रहा होता है कि वो ऐसी टाइम पे जो है वो लैंड बाय करता है, और ऐसी जगह पे लैंड बाय करता है जहाँ पे इन फ्यूचर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आनी होती है जिसकी वजह से वो लैंड जो है उसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, और उसके इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होता है और जो डिवेलपर है उसको भी बड़ा बेनिफिट हो रहा होता है। या मैप के थ्रू जी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से न्यू मेट्रो सिटी जो है वो एक बहुत हॉट फेवरेट जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और आपको जो है वो इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। बेसिकली 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से न्यू मेट्रो सिटी की लोकेशन जो है वो इंतहाई प्राइम बनती है। एक तो जैसे आप ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं रावलपिंडी रिंग रोड है, जो कि रेडियो पाकिस्तान रिवार्ड के करीब से जो है वो शुरू होके एयरपोर्ट तक जो है वो जाएगा, और इसके थ्रू जो है वो आप 30 से 40 मिनट्स के अंदर जो है पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ की किसी भी लोकेशन को जो है वो 30 से 40 मिनट्स में जो है वो अप्रोच कर सकेंगे। इस चीज़ का आइडिया तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को है, सबको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर किसके कितने इंटरचेंज बन रहे हैं, कहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, और इसकी वजह से जो डिस्टेंस है ट्विन सिटीज़ से न्यू मेट्रो सिटी का वो बहुत कम हो जाएगा। बट एक इसका और एस्पेक्ट भी है, वो उसको जो है वो है रावलपिंडी खारियां मोटरवे बनने जा रही है, जिसकी ऑलरेडी जो है वो लैंड बाय हो चुकी है, और उस पर बहुत जल्दी जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो होने जा रहा है। ये 90 बिलियन रुपीज़ का जो है 90 बिलियन रुपीज़ का जो है ये प्रोजेक्ट है, और ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टी चौक रवात से, और ये जा रहा है टिल खारियां तक जो है वो ये मोटरवे बनने जा रही है। इसमें टोटल जो है वो 8 इंटरचेंज होंगे, और इंक्लूडिंग एक रवात में बन रहा है, दूसरा जो इंटरचेंज है वो गुजर खान में बन रहा है, और उसके बाद बाकी के जो है वो इंटरचेंजेस जो हैं वो आगे बनने जा रहे हैं। और ये जो मोटरवे है ये आगे कनेक्ट करेगी सम्भरियाल से लेके सम्भरियाल तक, जो M11 मोटरवे है सियालकोट मोटरवे वहाँ पे अटैच करेगी। और ये जो सम्भरियाल और खारियां की जो मोटरवे है ये ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे। अब इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, इसका इम्पेक्ट जो है वो ये होगा कि अभी जो अगर आप ट्रैवल करते हैं M2 मोटरवे से, तो तकरीबन आप लाहौर तक पहुँचते हैं इस्लामाबाद से तकरीबन 4.25-4.5 घंटे के अंदर। ये डिस्टेंस जब आप यहाँ से खारियां के थ्रू रावलपिंडी टू खारियां ट्रैवल करेंगे, फिर खारियां से आगे सम्भरियाल जो कि आके लाहौर के साथ अटैच होती है M11 मोटरवे के ऊपर, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 घंटे जो है वो लेस हो जाएगा, और 3.5 से 4.25 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप इस्लामाबाद टू लाहौर जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। और डेफिनेटली इसके कंप्लीट होने के बाद जो है लोगों का जो ट्रैवल रूट होगा वो वहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दिस मोटरवे। अब ये मैप जो है ऑलरेडी आपके सामने जो है वो ओपन हुआ हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैप को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये मेन जीटी रोड जा रही है, मेन जीटी रोड के साथ सेक्टर ए लगता है न्यू मेट्रो सिटी का, और अगर आप इस मैप को फॉलो करेंगे तो इसका जो एंड है वो बेसिकली ये जो रावलपिंडी खारियां मोटरवे है इसके साथ अटैच होता है।
तो इस वजह से इस सोसाइटी की लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइम है, और आने वाले दिनों में जो है जिस तरह ये मोटरवे जो है वो बननी स्टार्ट होगी, इसकी प्राइसेस और इस ओवरऑल इस जगह जो गुजर खान का एरिया है ये बहुत ज़्यादा बूम पे चला जाएगा। उसकी एक रीज़न यहाँ पे इंटरचेंज होने की भी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा इस लोकेशन के बारे में। आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस हो वो हम लोगों से आप क्वेश्चन जो है वो हमारे नंबर्स दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर कर सकें। थैंक यू।